नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम एक नजर इधर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। चलिए अपने खास कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाल दिवस के मौके पर टोंकखुर्द थाने परिसर में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिलने पर वो थाना प्रभारी से भिड़ गए और गुस्से में अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। उनसे बात कर रहे हो, आपसे बात कर रहे हो क्या? आपको मैंने फोन लगाया था क्या? आपने क्या बोला था मेरे को? आपने क्या बोला था मेरे को? अरे तुम जितने जाओ मेरी बात। हाँ तो दिमाग खराब कर रहा हूँ क्या? समझाए तो हम हमारे ब्लॉक में काम प्रोग्राम हो रहा है और हमको आप अपमान कर रहे हो, हम फेन करेंगे क्या? तो तस्वीरें आपको सोनकच के दिखा रहे हैं, जहां एक सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत पटेल का ये वीडियो है, जहां भरत पटेल को 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन बाल दिवस के मौके पर किसी कार्यक्रम में जब नहीं बुलाया तो वो थाना प्रभारी से भिड़ गए और थाना प्रभारी के साथ अभद्रता कर उन्हें गाली गलौज करने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाल दिवस के मौके पर टोंकखुर्द थाने परिसर में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिलने पर वो थाना प्रभारी से भिड़ गए और गुस्से में अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। और आपको ये वीडियो बता रहे हैं सोनकच का, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ थाना प्रभारी से अभद्रता की है, गाली गलौज की है कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भरत पटेल ने, जहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत पटेल ने अपना आपा खोया और सत्ता के नशे में चूर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत पटेल ने किसी निजी कार्यक्रम में ना बुलाने को लेकर भड़क गए और अपना आपा खोते हुए थाना प्रभारी के साथ गाली गलौज करने लगे और उनके साथ अभद्रता करते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि थाना प्रभारी संघ अभद्रता की गई है, जहां कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भरत पटेल अपना आपा खो दिया और थाना प्रभारी से गाली गलौज कर अभद्रता की है। और इसी पर हमारे साथ सुनील यादव TIE फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील यादव जी, सबसे पहले तो TNN पर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनील यादव जी। एक वीडियो वायरल हुआ है ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत पटेल का, जिसमें वो एक थाना प्रभारी के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, गाली गलौज नहीं की उन्होंने, जो है वो कल बाल मित्र थाने का उद्घाटन था, वहाँ पर बच्चे पालक बच्चे सब आए थे, तो उनका नाराजगी थी, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमने कहा ये बच्चों का कार्यक्रम था जी। तो अभी भरत पटेल क्या कुछ सिचुएशन है अभी भरत पटेल का, जब ये गुस्सा शांत हो गया तो उसके बाद उन्होंने किस तरह से आप किस लहजे से आपसे बात की? क्योंकि जो वीडियो हमारे पास आया है, ये वीडियो वायरल हुआ है, इसमें वो बकायदा गाली गलौज करते हुए भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपनी गलती मानी है। चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं सोनकच का, जहां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भरत पटेल थाना प्रभारी से अभद्रता करते हुए इस वीडियो में नजर आए हैं। आपको बता दें
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत पटेल का एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें वो थाना प्रभारी के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार से पूरा मामला जानना चाहेंगे। कल एक थाने का ओपनिंग था, जिसको लेकर एसपी भी वहाँ पहुंचे थे। बताया जाता है कि भरत पटेल जो वहाँ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे, इन्हें वहाँ पर नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर टीआई पर आते ही वो भड़क गए कि हमारा मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं और मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया गया। जी मनोज, जानना चाहेंगे कि ये कैसी दादागिरी है जो नेताओं की, कि अगर कार्यक्रम में नहीं बुलाया तो इतना भड़क गया। ऐसे तो अगर और भी आगे आने वाले कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया तो ऐसे ही उनका गुस्सा अपार रहेगा। जी आपको मैं बता दूं, तो ब्लॉक अभी कांग्रेस के अध्यक्ष और उन्हें आते ही मतलब टीआई से भड़क गए। टीआई ने फिर वहां पर मौजूद जवानों से कहा कि इन्हें थोड़ा दूर ले जाइए, यहां पर कार्यक्रम चल रहा है। थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर? चलिए मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं सोनकच्छ का, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। जहां आपको बता दें कि बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम निजी क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत पटेल को नहीं बुलाया, जिसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और अपना आपा खोते हुए वो थाना प्रभारी पर भड़क उठे। हालांकि थाना प्रभारी ने इसी से नकारा है, तो वहीं आपको बता दें वीडियो पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो थाना प्रभारी के साथ अभद्रता कर रहे हैं और उन्हें गाली गलौज दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बनाया गया, जहां आपको बता दें कि सत्ता के नशे में चूर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना आपा खो दिया। भरत पटेल गाली गलौज और अभद्रता करते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। जिला रायसेन में आदिवासी युवकों को अपने पुश्तैनी कब्जे वाली जमीन पर खेती करना महंगा पड़ गया। वन विभाग ने दोनों युवक पर ऑफिस लाकर जमकर लाठी डंडे बरसवाए, जिससे युवक दोनों के दोनों लहू लुहान हो गए। उसके बाद युवक और उसके परिजनों ने पुलिस चौकी में वन विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या नाम है आपका? आगे बताया कि इनकी जमीन ग्राम हदानजी गढ़ी में थी, जिन पर इसके दादाजी करीब 25 वर्षों से खेती कर रहे थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रायसेन से पवन सिलावट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे, जहां पुश्तैनी जमीन पर खेती करना दो युवकों को महंगा पड़ गया। पवन, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी जी। पवन, आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे, जहां दो युवकों को अपनी ही पुश्तैनी कब्जे वाली जमीन पर खेती करना महंगा पड़ गया। जी आपको बता दू, गैरतगंज रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील में ग्राम लोहागर के निवासी हैं बलबीर सिंह आदिवासी, जो कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर खेती करना महंगा पड़ा। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनको बुलाकर वहां पर इतनी बहुत बेरहमी से पिटाई की, खूना खर्च हो गए। उसके बाद जब उनको बाहर गांव पहुंचे तो गांव के लोगों से जब उन्होंने इस बात की जानकारी गांव के लोगों को दी, तो गांव के लोगों ने पुलिस थाने में पहुंचकर उन वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। फिलहाल पवन, दोनों युवकों की क्या कुछ स्थिति है? अभी दोनों युवकों को अस्पताल में इलाज के दौरान इलाज चल रहा है, बाकी उनको घर पहुंचा दिया है। उनको ऐसा पीछे इतने लट मारे गए थे, जिससे कि उनका अभी भी पूरा पिछला बदन होता है जो सूजा हुआ दिख रहा है।
पवन, ये तो साफ तौर पर दो वन विभाग अमले की गुंडई सामने आ रही है, जहां दो युवक अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर अपनी बात रख रहे थे, जिसके चलते वन विभाग अमले ने उन्हीं पर लाठी डंडों से उन्हें लहूलुहान कर दिया। उनको लाठी लुहान तो किया है, उनकी जमीन हड़पने का भी कहा है, तुमने कब्जा कर रखा है ऐसा कहा, जबकि देखा जाए तो लगभग 30 से 40 वर्ष पहले उनके दादा वहां पर खेती किया करते थे, उसके बाद बेटों ने की, उन पर झूठा मामला कहा जा रहा है कि ये तुम अतिक्रमण करे हुए हो वन विभाग की जमीन पर। जब गांव के लोगों ने इस बात को पुलिस थाने में जाकर कहा तो पुलिस थाने में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो अभी पुलिस प्रभारी का क्या कुछ कहना है, थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? प्रभारी का कहना है कि अभी जांच की जाएगी, उसके बाद उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन गांव के लोगों के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे, जब भी गांव के लोग और परिजन यही कह रहे हैं कि हमारी पुश्तैनी, इससे ही हमारा जीवन यापन होता था, इसी जमीन से हमारा पूरा परिवार चलता था, और गाँव के लोगों का भी यही कहना है कि यदि वन विभाग के द्वारा हमारी जमीन छीन ली गई तो हम क्या करेंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। चलिए पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये आपको बता दें कि जिला रायसेन में आदिवासी युवकों को अपने पुश्तैनी कब्जे वाली जमीन पर खेती करना महंगा पड़ गया, जहां वन विभाग ने दोनों युवक पर ऑफिस लाकर जमकर लाठी डंडे बरसवाए, जिससे दोनों युवक लहूलुहान हो गए, जिसके बाद युवक और उसके परिजनों ने पुलिस चौकी में वन विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीड़ित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलबीर, आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे, जहां वन विभाग अमले ने आपको प्रताड़ित किया है। जी जी, विस्तार से बताएं क्या कुछ हुआ था पूरा मामला। जी, हमारे दादाजी थे जी, 25 साल पहले से वो कब्जा कर रखे थे जी, दादाजी गुजर गए 2-3 साल पहले जी, बाद में हमने कर लिया उस पर कब्जा, हमने आग बोली दीजिएगा आप, हमको 13 तारीख को दिन वाले आए, हमको घर से उड़ा के ले गए जी, उसके बाद में दिन भर हमको रखकर रेस्ट हाउस में। तो बलबीर, आपने कहीं शिकायत कराई अभी तक? जी, हमने कल भी करी थी शिकायत, हमारी गली चौकी में, और कल रायसेन भी आई थी। तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है वन विभाग अमले पर? जी, उन्होंने बोला कि हम आपकी शिकायत कर रहे हैं, कल छानबीन कर रहे हैं हम। जी ठीक है सर जी, कल से, कल ये पूरा मामला कल का बताया जा रहा है, कल से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी भी कुछ नहीं हुआ मैडम जी। तो आपने जाके एक बार फिर से किसी के थाना प्रभारी के पास गए या किसी अधिकारी के संज्ञान में लाए पूरा मामला? हाँ, सुबह भी गए थे तो कोई बड़े या साहब आए थे, उन्होंने बोला तो कहले हम आपकी कहले हम छानबीन कर रहे हैं जी, कहले आप कहले जो अपने कब्जा है कहले वो कब्जा आप बनाए रखो जी, कहले आपके साथ मारपीट की है जी, हम उन पे कार्रवाई करेंगे हम। ठीक है सर जी। तो कल से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या आपने पूछा नहीं कि कब तक कार्रवाई की जाएगी? अभी कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल आज बोले थे कल हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ कार्रवाई। चलिए बलवीर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिला रायसेन में वन विभाग की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां वन विभाग ने दो युवकों पर अपने ऑफिस में लाकर लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट की और उन्हें लहूलुहान अवस्था में छोड़ दिया, जिसके बाद पासी के अस्पताल में उनके परिजन और जो आसपास के रहवासी थे उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां आपको बता दें कि दोनों युवक अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने को लेकर खेती कर रहे थे, जिसके चलते वन विभाग अमला वहां पहुंचा और वन विभाग के अमले ने दोनों युवकों के साथ पिटाई की, जिसके बाद दोनों युवक लहूलुहान हो गए और आसपास के जो लोग थे और रहवासी थे उन्होंने जब पूरा मामला देखा तो उसके बाद दोनों युवकों को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। अब है वो।
जिला रायसेन में आदिवासी युवकों को अपने पुश्तैनी कब्जे वाली जमीन पर खेती करना काफी महंगा पड़ गया, जहां वन विभाग ने दोनों युवक पर ऑफिस लाकर जमकर लाठी डंडे बरसवाए, जिससे दोनों युवक लहूलुहान हो गए। आसपास के रहवासियों ने और परिजनों ने लहूलुहान अवस्था में दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती किया, जहां एक का इलाज अभी जारी है, जिसके बाद युवक और उसके परिजनों ने पुलिस चौकी में वन विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि अभी तक पुलिस चौकी में रिपोर्ट कल देर रात दर्ज की गई थी, सुबह भी एक बार फरियाद लगाई गई थी पीड़ितों की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ जांच का आश्वासन महज दिया गया है पीड़ितों को। और इसी पर हमारे साथ भागचंद स्थानीय नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भागचंद जी, सबसे पहले तो डीएनएन में आपका बहुत स्वागत है। भागचंद जी, जिला रायसेन से एक मामला सामने आया है, जहां अपनी पुश्तैनी कब्जे वाली जमीन पर खेती कर रहे थे दो युवक, और वन विभाग का अमला आता है और उन्हें लाठी डंडों से अपने ऑफिस ले जाकर मारता है और उनको लहूलुहान कर देता है। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, इनको मारा है और उनके पूरे पुट्ठे सूज रहे हैं, इनका मेडिकल भी फर्जी कराया इन लोगों ने। लेकिन भागचंद जी, ये पूरा मामला कल का है और कल से दोनों पीड़ित कई बार अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंच चुके हैं, पुलिस स्टेशन गए हैं, शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई अभी नहीं हुई, थाने हम गए थे, उनने अलग से मेडिकल कराया, एक को रेफर किया था रायसेन और उसके एक्सरे हुआ था, अभी एक्सरे रिपोर्ट नहीं आई। रेफर तो किया गया, लेकिन अभी जो वन विभाग का अमला है, जो आरोपी है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई नहीं हुई मैडम। तो कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी? अब ये सब उनके एसपी साहब को पूछो, अब हम तो उनके ही साथ हैं, जो पिटे हैं उनके ही साथ वाले हैं। चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया भागचंद जी। जिला रायसेन में आदिवासी युवकों को अपनी पुश्तैनी कब्जे वाली जमीन पर खेती करना महंगा पड़ गया, वन विभाग ने दोनों युवक पर ऑफिस लाकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिससे दोनों युवक लहूलुहान हो गए, जिसके बाद युवक और उसके परिजनों ने पुलिस चौकी में वन विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब रुख करते हैं ग्वालियर का, जहां अंचल में टीबी के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि स्टेट टीबी विभाग मरीजों की जांच के लिए जरूरी फंड मुहैया नहीं करा पा रहा, जिसके चलते आने वाले दो हफ्ते बाद टीबी मरीजों की जांच नहीं हो सकेगी और वो एक बार फिर से भोपाल और इंदौर लैब की जांच के भरोसे बैठे रहेंगे। हमारे रिश्तेदार को लेके गए थे हॉस्पिटल में, क्या हुआ? उनके जांच लिख दी, किट वगैरह कुछ नहीं है, दवाई मिलती नहीं, सब कुछ नहीं है। क्या दिक्कत थी आपके रिश्तेदार? टीवी थी, डॉक्टर ने बता दिया टीवी है और जांच के लिए लिख दिया उनने, जांच के लिए गए तो चक्कर लगवाते थे वहाँ पर, उसके बाद में कोई किट नहीं है और दवाई भी नहीं मिलती, बहुत परेशानी है ये, कितने बार चक्कर लगा दिए कोई दवाई नहीं है, रोज जाओ आज आ जाना कल आ जाना, दवाई मिलती नहीं है और किट भी नहीं है उनके पास में, कोई किट नहीं है। देखिए, जो हमारा LPA तो एक जांच है, कंप्लीट लैब का नाम है CNDST लैब, तो ये जो फंडिंग जो हो रही है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है RNTCP प्रोग्राम के तहत, तो उसमें स्टाफ हमारे पास दो ही स्टाफ हैं जो लैब स्टाफ्स हैं, और जो फंडिंग है वो प्रॉपर ढंग से मिल नहीं रहा है, प्रॉपर से मीन्स कि हमें मिलता ही नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। जो फाइंड भी एक हेल्प कर रही है उसमें, फाइंड एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की, तो वो किट्स प्रोवाइड करती है और जो बजट देना है स्टेट गवर्नमेंट को देना है स्टेट टीवी ऑफिसर के थ्रू, तो हमारे पास कोई बजट आ नहीं रहा है, जिसके कारण हम होपफुली बंद कर देंगे टेस्टर, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं, और जिसको मैंने 21 अगस्त से कंटिन्यूसली हर मंडे को मेल कर रहा हूँ मैं स्टेट टीवी ऑफिसर को, बट वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं।
तो ग्वालियर के अंचल में टीबी के मरीजों की अब परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि स्टेट टीबी विभाग मरीजों की जांच के लिए जरूरी फंड मुहैया नहीं करा पा रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 हफ्ते बाद टीबी मरीजों की जांच नहीं हो पाएगी, जिसके चलते उनकी परेशानी अब आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है और वो एक बार फिर से भोपाल और इंदौर लैब की जांच के भरोसे बैठे रहेंगे। तो ये ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ग्वालियर अंचल में टीबी के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि जो राशि उन्हें स्टेट टीबी विभाग मरीजों की तरफ से दी जाती थी अब वो राशि नहीं मिलेगी कि स्टेट टीबी विभाग मरीजों के जांच के लिए जो जरूरी फंड मुहैया कराया जाता था अब वो नहीं करा पा रहा विभाग, जिसके चलते आने वाले 2 हफ्ते बाद टीबी मरीजों की जांच नहीं हो पाएगी और वो भोपाल और इंदौर का एक बार फिर रुख करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संतोष सिंह फोन लाइन पर जुड़ गया है। संतोष, ग्वालियर अंचल में अब टीबी मरीजों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ सकती है आने वाले समय में क्योंकि जो स्टेट टीबी विभाग मरीजों की जांच के लिए जरूरी फंड मुहैया कराया जाता था वो नहीं कराया जा रहा। देखिए, ग्वालियर अंचल का ये सबसे बड़ा अस्पताल है जिसका जयरोग चिकित्सालय और इसमें लगातार 1 से 2 हजार मरीज इस टीबी से संबंधित बीमारी की चेक कराने के लिए ग्वालियर आते हैं और इसके अलावा ग्वालियर के अलावा भिंड, मुरैना, शिवपुरी, शोपुर, अशोकनगर के लोग भी अंचल के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे सेंट्रल लैब बनी हुई है जिसमें टीबी सी डी एस टी लैब आर एन टी सी पी के प्रोग्राम के तहत इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अधीन ये चलाया जाता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल के सहयोग से जो जरूरी फंड है वो यहाँ मुहैया कराया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी हाल ही के दिनों में 50 से 60 मरीज प्रतिदिन यहाँ ग्वालियर की जो लैब है इसमें आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। जो एल टी ए टेस्ट होना चाहिए टीबी की जानकारी के लिए और वो टेस्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उसका कारण ये क्योंकि जो जरूरी सामान है वो उनकी जो क्वांटिटी है वो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। तो लगभग अगर हम जांच की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो किटें हैं, जो सामान है, सामग्री है वो 10 से 15 दिन और चल सकती है। लेकिन इसको लेकर जो विभाग के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर रंजन, और उन्होंने इसमें इस मामले में शासन को लगातार पत्र भेजा है और बात भी की है। डॉक्टर के पी रंजन का कहना है, जो इस लैब के एचओडी हैं माइक्रोलॉजी विभाग में और जीआरएनसी में प्रोफेसर भी, एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूं लेकिन ऊपर से अब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। तो आने वाले स्थिति में हमें मजबूर होकर चेक जो टेस्ट है टीबी के टेस्ट है वो नहीं कर पाएंगे और जब तक टेस्ट नहीं होंगे तो आगे की जो टीबी के मरीजों की जो दवाएं हैं सुचारू रूप से नहीं उनको मिल पाएगी, ना ही उसका वो इलाज करा पाएंगे जी। तो संतोष, वजह क्या कुछ बताई जा रही है जो अब फंड मुहैया नहीं करा पा रही? देखिए, अभी जो डॉक्टर केपी रंजन जी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि इस मामले में जब मैंने पत्राचार किया है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पत्राचार का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। दूसरी बात, अब तक जो फंड आता है वो सीएमएचओ को आता है जबकि डायरेक्ट जो यहाँ के डीन है जीआरएमसी गैरा राजा मेडिकल कॉलेज के जो डीन है अगर उनपे डायरेक्ट फंड आता है तो डायरेक्ट हमारे जो विभाग है उसमें जो जरूरी चीजें हैं जरूरी सामान है वो अब उस फंड के जरिए ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान भी लगाया है कि सीएमएचओ के पास जो फंड आता है वो कहाँ वितरित हो जाता है, कहाँ खत्म हो जाता है, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी का इस ओर ध्यान गया है। तो इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप भी लगाया कि जो फंड है जो टीबी के पेशेंटों के लिए फंड आता है वो फंड के कहीं ना कहीं गड़बड़ किया जा रहा है। चलिए संतोष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ग्वालियर अंचल में टीबी के मरीजों की परेशानी अब आने वाले समय में बढ़ सकती है क्योंकि स्टेट टीबी विभाग मरीजों की जांच के लिए जरूरी फंड मुहैया जो कराता था अब वो नहीं करा पा रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 हफ्ते बाद टीबी मरीजों की जांच नहीं हो सकेगी और वो एक बार फिर से भोपाल और इंदौर लैब की जांच का रुख कर सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम एक नजर इधर में फिलहाल के लिए इतना ही। डीएनएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।